दोस्तों आपको सेब की खेती करनी है तो पहले शर्त क्या होगी, आपको सेब का एक बीज लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आप दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का सेब का बीज लेके आ गए और उसको आपने ला के रख दिया फ्रिज में, या उसको ले गए आप जैसलमेर के किल्लों में और वहां उसको लगा दिया, तो क्या उसका सेब का पेड़ मिल जाएगा? ना, कभी नहीं मिलेगा। अच्छे बीज को अच्छी जमीन में बोना पड़ेगा, ना को जो जीरा होता है जबकि वो जीरा हमारे सीने में नहीं होता है। आपके अंदर तिल की सबसे बड़ी फसल होती है, नागौर का लोग तो कहते हैं सीकर ज्यादा एडवांस है, जबकि मैं कहता हूं खेती में नागौर हमसे बहुत एडवांस है। आपकी बस्ती से मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, आपकी बस्ती में नागौर सीकर से ज्यादा पैसे वाला है। हमारे लोग नौकरी करते माफ नहीं चाहता हूं, इसलिए वो थोड़े कपड़े वपड़े थोड़े ज्यादा ढंग से पहन के अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। मैं देखो नागौर के पैर साथ हैं वो ज्यादा प्रॉस्पर है, वो ज्यादा सामर्थ्यवान है और आज घराना को चुप चुप चाह रहे हैं। आज मेरे पास यानी सीकर और झुंझुनू के बाद के तीसरे नंबर के बच्चे हैं वो आपके कागज ले गए हैं। तो पिछले एक दो साल से स्टार्ट में और मैं मेरी जो बहने बैठी हैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा। नागौर के जब भी पेट चल जाता है तो उनके साथ उनकी माँ या कभी कोई बहन दूर आती है, वो ये तक नाम के साथ पढ़ाई कैसे करोगे आप, तो बहुत करता है। तो मेरे गाँव के अनपढ़ मेरी बहने आते हैं पूछते हैं कि भाई साहब आपने बता दो कि वो एक घर गारंटी है, मुझे बहुत खुशी होती है। वो अवेयरनेस कब आई है, इतना कह सकता हूँ कि आप 5 साल पीछे हो सीकर या झुंझुनू से, नहीं झुंझुनू से 10 साल पीछे हो, झुंझुनू 10 साल हमसे 5 हमसे आगे, झुंझुनू तो सीकर से आगे। दोस्तों याद करो सुमित्रा सिंह जी जिनकी उम्र 85 साल है वो उस समय ग्रेजुएट थे यार, उस समय अच्छा नागौर में कैसे इंक्लूड कर सकते हो। मैं सुमित्रा साहब की रामदास जी की अंतिम यात्रा हो गई थी कुचेरा गांव में, भी देख रहा था तो टीवी की लड़की बोल रही थी कि 1940 में कब अमेरिका पढ़ने गए थे। मैंने कहा यार लोग अमेरिका पढ़ने चले गए तो अपने बुजुर्ग ने सीकर ले जाता था, एजुकेशन आपके भी बच्ची है। खैर तो वापस पॉइंट आता हूं, एक अच्छा सेब का बीज आपके पास है, यहां तक सबसे लाभ होगा तो कुछ करना चाहता है दोस्तों, उस बीज को अच्छी जमीन में बोना पड़ेगा। अच्छी जमीन में बो दिया उसके बाद खाद और पानी नहीं दोगे तो भी उसका पेड़ नहीं बढ़ेगा। खाद पानी भी आपको देना पड़ेगा, परिवार की ये ड्यूटी तो बनती है, इसको न्यूनतम खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। अच्छे बीज को अच्छी जमीन में बोना पड़ेगा, अच्छा खाद पानी देना पड़ेगा। कितना कर दिया पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन दोस्तों जी खेत के पार नहीं है, खेत के चार पर नहीं है तो आवारा पशु आपके पेड़ उठा जाएंगे। दोस्तों आपके लड़के बहुत अच्छे हैं पर आप कोई ऐसे शहर से कोटा भेज दिया वहां आपके बच्चों को कोई संभालना नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे आवारा बन जाते हैं। अच्छा बीज है, अच्छे जमीन बोना पड़ेगा, अच्छा खाद पानी देना पड़ेगा और अच्छा चौकीदार होना जरूरी है, अच्छी बाड़ होना जरूरी है। आवारा पशु हमारे फसलें नष्ट कर देते हैं। तो मैं सीएससी की बात कर रहा था, मेरे भी 50% होते हैं लेकिन 85% लड़के भी मेरे यहां से संस्कार और जीना सीख के आते हैं। ये मेरी असेंबली का देन है, पिछले 5 साल से डेली एक असेंबली होती है, मैं डेली 24 घंटे में बच्चों के साथ रहता हूँ। ये सीएलसी आपको देगी, जो बच्चा बच्ची आप मेरे पास भेजोगे वो डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने कार्य नहीं भाई सब नहीं बनेंगे, लेकिन आपका बेटा बेटी जितना पवित्र मेरे को देख के आए थे उससे पवित्र और उससे ज्यादा सीखा के आपको दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको बुलाकर वोट भी देना है दोस्तों में, वो ये निश्चित है कि बुलाकर आपको छोड़ कर जाएगा कि आपको किसी बर्दाश्त में भेजेगा, इतने संस्कार देंगे दोस्तों। क्या बड़ी बात, अच्छी बात, अच्छा किसान, अच्छा बीज, अच्छा बच्चा, अच्छी जमीन, अच्छी संस्था, अच्छा खाद पानी, बच्चे की कुछ आवश्यकता पूरी हो, अच्छा मालिक,